ये सोच के किया था कि जमीन जो है कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और जो पेड़ पौधा है तो एक फसल निकलती है इससे, और जो जमीन पर आप है नहीं हमारे पास। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को हम ऐसे बाग में लेके आए हैं जहाँ पर किसी एक प्रकार का बाग नहीं है, कई तरीके के पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अमरूद है, पपीता है, आम भी है, जामुन भी है और कई वेराइटियाँ हैं। तो हमारे साथ जो किसान आए थे उन्होंने क्या सोच के इसको लगाया था और कब लगाया था, यह सारी जानकारी उन्हीं से कर लेते हैं। और इस बाग को लगाने से उन्हें अन्य फसलें जो होती हैं उसकी अपेक्षा क्या लाभ है और क्या नुकसान है, वो सारी जानकारी हमारे साथ जो किसान है वही यहाँ बता पाएंगे। भाई साहब क्या नाम है? जी सर, मेरा ग्यादीन नाम है। ग्यादीन जी ये बताइए सबसे पहले आप कहाँ से हैं? हम सर जो है ग्राम नमोनी मऊरानीपुर जिला झांसी से हैं। जी आपने यहाँ अपने यहाँ बाग लगा रखा है? जी। कितना पुराना बाग है ये? करीब 10-15 साल पुराना बाग है। लगभग 15 साल का बाग आपका हो चुका है। तो आप सबसे पहले बताइए अपने क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा रबी का जो सीज़न होता है और खरीफ का जो सीज़न होता है इसमें मूंगफली या गेहूं बहुत पसंद करते हैं, ज़्यादातर वही बोते हैं अपने क्षेत्र में, आप भी बोते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो फसल और इस फसल में अंतर और अच्छा क्या है? इस फसल में जैसे अमरूद है तो अच्छी वैरायटी का अमरूद है तो उसकी पैदावार ठीक है, और जी थोड़ा कोई पौधा लोकल निकल आया तो उसकी पैदावार कम है, उस हिसाब से खेती के मुताबिक कहीं ना कहीं ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वैसे बताया जाता है खेती में हर साल दवाई लगना, बीज लगना और उसकी हिफाजत करना, इसमें हर साल का ऐसा झंझट तो होता नहीं है? इसमें ये कोई झंझट नहीं है, इसमें खाली पानी की थोड़ी समस्या होती है, गर्मियों के मौसम में अपन लोगों को पानी देना पड़ता है और अपने रख रखाव के टाइम पर जैसे जानवर सुगा वगैरह हैं इनको रखाना पड़ता है। ठीक है, तो कितने बीघा में और क्या क्या लगा रखा है? जी मेरे पास सर ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मेरे पास वही 1.5 एकड़ ज़मीन है जी। और 1.5 एकड़ ज़मीन में सर काय काय के पेड़ लगे हैं अभी यहाँ कुछ मतलब बीघा के करीब में मेरे पास अमरूद भी है और उसी में पपीता है और जो है ये लगे हुए हैं, तो इसी में कुछ खेती में जो है कुछ में बड़ाई भी लगाए हुए हैं और आम जामुन भी लगे हैं साइड। हाँ, आम जामने हैं, नीचे के साइड में आम जामने भी है। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है कि आपके यहाँ अमरूद तो लगा है, अमरूद के साथ साथ उसके नीचे आपने पपीते भी लगा रखे, एक साथ दो चीज़ें, कैसे सोच के किया? जी ये सोच के किया सर कि ज़मीन जो है कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और जो पेड़ पौधा है तो एक फसल निकलती है इससे, और जो ज़मीन पर्याप्त है नहीं हमारे पास, वो जो ज़मीन डली है फालतू इसको कुछ यूज में ले लें तो उससे थोड़ा बहुत लाभ भी होगा। एक ही जगह से आप दो तरीके के फल प्राप्त कर रहे हैं, अमरूद भी निकाल रहा है उसमें, पपीता भी निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान को फायदा है इससे। भाई जब हम लोग उसी के लाइन में हैं, किसानी खेती कर रहे हैं, तो हम कुछ करना पड़ेगा और करना पड़ेगा तो ईश्वर देगा जरूर जी। तो अगर कोई किसान बाग लगाने की कोशिश करता है या सोचता है कि हमें लगाना है तो कैसे शुरुआत करेगा वो? भाई ये बागवानी का काम है, जैसे किसी किसान के पास कम ज़मीन है तो वो अपना इसी में बागवानी में अपनी गुजार बसर कर सकता है। कैसे लगाए उसको अमरूद लगाने हैं, मान लीजिए आप 100 पेड़ लगाने, शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से कैसे खेत बनाएगा, पेड़ कैसे लगाएगा, उसमें क्या खाद डालेगा? इसमें अपन को पहले गड्ढा करना पड़ेगा जी, और गड्ढा करने के बाद अपन को जैविक खाद डालना पड़ेगा, गोबर की खाद जी, गोबर का। हाँ, उसके बाद अपन को करीब 15 दिन 1 माह पहले उसको गड्ढा को खोद दें, उसमें पानी पड़ जाए अच्छा, और उसको खाद को गोड़ करके उस सब की तैयारी करें गड्ढा की, और गड्ढा की तैयारी करने के बाद उसको इसी मौसम में आषाढ़ के महीने में पौधा को लगाने को तैयार कर दें। कौन सा अमरूद है आपके यहाँ पे? जी सर मेरा बाहर से इलाहाबादी अमरूद है। इलाहाबादी? हाँ। कैसी पैदावार है इसकी? जी सर मैंने बाहर से कलम मंगाई थी। अच्छा। हाँ। तो इन्हें थोक में ले जाते हैं फुटकर बेचते हैं? नहीं जी, फुटकर बेचते हैं हम लोग। कहाँ जाते हो बाजार? ये मऊरानीपुर बाजार करते हैं। मऊरानीपुर का बाजार, तो कहीं ना कहीं जो खर्चा इसमें होता है वो पूंजी निकल आती है आपकी? पूंजी निकल आती है भाई, उसी में तो सब खर्चा चलता है जी। तो यही काम है कि कुछ और भी करते नहीं, हैं सर, खेती के अलावा हमारे पास और कोई लाभ नहीं है जी, खेती का काम, खेती का ही पूरा काम देखते हैं और इसी से पूरा अपना गुजार बसर चलाते हैं जी। यानी कह सकते हैं कि बागवानी भी किसानों के लिए फायदे का सौदा है, फायदेमंद है जी। बात सही है, खेती से ज़्यादा लाभ बागवानी में है, क्योंकि उसी में
अपन को ठंडी हवा मिलती है, गर्मियों की सीजन में अपन को शुद्ध जमीन मतलब शुद्ध हवा और वातावरण स्वच्छ रहता है, उसी से अपने जानवर वगैरह उसी की छाया में बने रहते हैं। नींबू भी लगाए हैं क्या? हाँ नींबू है, यानी आप सब कुछ है यहाँ पे। जैसा कि हमारे साथ जो किसान है उन्होंने बताया कि अमरूद तो मुख्य रूप से यहाँ लगाई है, उसके साथ नींबू भी है, पपीता भी है, और भी कई मतलब जगह खाली नहीं छोड़ी गई है कहीं भी, कहीं ना कहीं उस जगह का पूरा लाभ ये ले रहे हैं। जल जमीन नहीं है इसलिए मुझे इतने करीब करीब पेड़ लगाने पड़े का एक जमीन में, मतलब जो 4 मीटर का नियम है इसका, पेड़ का 4 मीटर के गैप में लगे हुए हैं अमरूद के पेड़। जब उसमें जमीन उतनी लाभ अपन को अमरूद में कम समझ में आ रही है, जो जमीन बीच में पड़ी हुई है उसके मतलब से हम लोगों ने पपीता लगा रखे हैं, डबल लाभ हो गया इसका। हाँ। तो अगर कोई किसान इनकी बात सुनकर अपने यहाँ बाग लगाता है तो निश्चित उसे एक बड़ा लाभ होने की संभावना है, और बागवानी कहीं ना कहीं परंपरागत खेती से अच्छी है ऐसा किसान का मानना है। तो इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।